आज हम आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर पद्धति के बारे में बता रहे हैं। जब आपके भ्रूण हम अंदर आपकी बच्चेदानी गर्भाशय में रखते हैं, ये प्रोसेस ऐसा होता है जो कि आईवीएफ का एक तरह का लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप बच्चा पैदा करने के पहले का लास्ट स्टेप। बिकॉज ये वो दिन होता है जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट करते होते हैं, आपने इतने इंजेक्शन्स लगवाए होते हैं, इतने भ्रूण बनने की एंगजाइटी झेली होती है कि आज आपके भ्रूण अच्छे बने हैं, ग्रेड ए एम्ब्रियोज हैं, ब्लास्टोसिस्ट हैं, या जो भी बना है वो आपके अंदर डाल रहे हैं। जो भी होता है पेशेंट को बता के किया जाता है कि डे टू का ट्रांसफ़र है, डे थ्री का ट्रांसफ़र, अगर किसी के एग कम आते हैं तो हम डे टू डे थ्री पे भी ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक पतला सा बिल्कुल स्पेक्युलम होता है, इसको अगर प्रॉपरली हम वजाइनल वॉल के अंदर डालते हैं तो पेशेंट को इससे कोई पेन नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत उसको दिक्कत महसूस होती, डिस्कम्फर्ट होती है बिकॉज एक फॉरेन बॉडी हम अंदर डाल रहे हैं, पर पेन नहीं होता है सच। इसको हम अंदर डालते हैं, अंदर डालने के बाद जो वजाइनल एरिया होता है उसको हम क्लीन करते हैं। पैरेलली जो जूनियर डॉक्टर होती हैं वो हमें दिखाती हैं कि पेशेंट का ब्लैडर भरा है कि नहीं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अक्सर हम लोग बिना जनरल एनेस्थीजिया के करते हैं, तो पेशेंट सुबह खा पी के आता है, वो अपने सारी दवाइयाँ भी समय पे लेके आता है, और दो घंटे पहले, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के दो घंटे पहले तक वो यूरिन पास करने नहीं जा सकता है, पेशाब करने। उसका ब्लैडर फुल होना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। उससे हमें सहायता मिलती है, पेशेंट भी उससे देख पाता है, और जो बच्चेदानी की पोजीशन होती है वो अलाइन होकर स्ट्रेट हो जाती है, जिससे कि बच्चेदानी के अंदर जो हम भ्रूण रखते हैं वो प्रॉपरली अच्छे से रख पाते हैं। अब ये सारे प्रोसेस करने के बाद हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बताते हैं कि हम रेडी हैं। रेडी, फिर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, वो ये भ्रूण बनाते हैं। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं ये हमें एम्ब्रियोज और मीडिया ला के देते हैं। मीडिया को हम पहले देते हैं, वो एक तरह से एम्ब्रियो की रक्षक का काम करते हैं। एंड इसके बाद ये एक आउटर कैथेटर होता है, इसके थ्रू ही हम एम्ब्रियोज रखते हैं। ये आउटर कैथेटर आपके एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये जो होता है बिल्कुल पतला होता है, इससे हम पहले अंदर जाते हैं, ये यूट्रस की जो ऑस है उसको ये उसको क्रॉस करता है। जो कितने हमें अंदर जाना है, कितने सेंटीमीटर अंदर जाना है, ये सारी मेजरमेंट हम ओपीडी में जब हम पेशेंट के स्कैन करते हैं उस वक्त ले लिया जाता है। इसके थ्रू हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जब इंटरनल ऑस क्रॉस हो जाता है तो ये सेम हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाता है कि ये इंटरनल ऑस क्रॉस हो गया। जब ये इंटरनल ऑस क्रॉस हो जाता है तो हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो भ्रूण बनाते हैं उनको हम फिर से बोलते हैं कि ये क्रॉस हो गया है, अब अपने भ्रूण वो ला के हमें दे सकते हैं और हम उस भ्रूण को अंदर डाल सकते हैं। रेडी, अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपने भ्रूण जो उन्होंने लैब में अच्छे से रखा है वो ला के देते हैं। ये एक इनर कैथेटर होता है, उसके थ्रू इसमें लोडेड होते हैं एम्ब्रियोस, इसके थ्रू वो देते हैं, और हमें ये जल्दी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हम बहुत लंबी इस प्रक्रिया को नहीं खींच सकते हैं बिकॉज एम्ब्रियोस बाहर आ गए हैं। हमने एम्ब्रियोस रख दिया वो देखने के बाद कि ये बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोस रखने के बाद हम ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को वापस करते हैं आउटर और इनर। इसमें हमें ये चेक करना होता है ब्लड आया कि नहीं। अगर इनर कैथेटर पे ब्लड होता है तो ऑब्वियसली हमारी ईटी उतनी अच्छी नहीं होती है, पर अगर इनर कैथेटर पे ब्लड नहीं होता इसका मतलब ईटी हमने अच्छे से करी है। अब हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को वापस करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर इसमें चेक करते हैं कि जितने भ्रूण वो लेके आए थे वो सारे हमने अंदर रख पाए या कुछ भ्रूण उसमें चिपके रह गए हैं। जब तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट का ओके नहीं होता है तब तक हम ये नहीं समझते कि हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पूरी हुई। अब इसके द्वारा भी हम पेशेंट को दिखाते हैं, यहाँ पे जो भ्रूण रखते हैं वो एक फ्लैश साइन होता है, उसके द्वारा हमें दिखता है कि ये भ्रूण हमने सही से रख दिया। ये हम फ्रीज करके पेशेंट को दिखाते हैं, उसकी बच्चेदानी के अंदर भ्रूण शाइन करते रहते हैं, इसको फ्लैश साइन बोलते हैं। क्लियर? अब ये इससे क्लियर हो गया कि सारे भ्रूण अंदर रख दिए गए हैं।